हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन है। यहां पर किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, फोर पार्टिकल ईच हैविंग चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, नॉट स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन। दिस इज अ रेगुलर पेंटागन हैविंग ऑल इक्वल साइज, ऑल इक्वल साइड्स ए बी सी डी, इसको हमने नाम दे दिया बेटा। द डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर इज ए, तो ये सेंटर हम मान लेते हैं बेटा ए, और इसकी जो डिस्टेंस है सभी कॉर्नर से वो डिस्टेंस हमें ए गिवन है, इक्वल डिस्टेंस है। फ्रॉम द सेंटर इज ए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पेंटागन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट द सेंटर ऑफ पेंटागन। फोर चार्जेस है, यानी फाइव चार्जेस नहीं है। अगर मान लीजिए बेटा यहां पर फाइव चार्जेस होते, सपोज मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एनहेंस कर रहा हूं, एक सिंपल वर्ड में ला रहा हूं, अगर फाइव चार्जेस होते हमारे पास तो क्या होता। फाइव चार्जेस होते तो सभी चार्जेस, ए चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, बी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, सी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता, जीरो आ जाता अगर पांच होते तो। लेकिन अब यहां पर चार चार्ज पार्टिकल हैं इक्वल स्ट्रेंथ के, इक्वल डिस्टेंस पर, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को आप एक टेक्निकल लैंग्वेज से समझिए। मान लीजिए पांच हाथी हैं, फाइव एलिफेंट, वो एलिफेंट बेटा उन्हें हमने बहुत सारा खाना दिया, जब उन्हें खाना दिया उन्होंने खाना खाया, हमने कहा फाइव एलिफेंट ने मैक्सिमम कितना खाना खाया, 100 किलोग्राम खाना खा लिया, 100 किलोग्राम चारा खा लिया। मान लीजिए ये एलिमेंट फाइव ना होकर फोर होते, फोर एलिफेंट होते और फोर एलिफेंट को हमने खाना दिया होता, कितना, 100 किलो। भाई हमें क्या पता कितने हैं, फाइव है या फोर है, बाय चांस फोर हो गए, हमने फाइव के हिसाब से किया था, तो अब कितना चारा बच जाएगा, डेफिनेटली 20 किलोग्राम बच जाएगा, 80 किलोग्राम कंज्यूम हो जाएगा और 20 किलोग्राम बच जाएगा, यानी जो एलिफेंट नहीं है उसके हिस्से का बच जाएगा। बिल्कुल यही कंसेप्ट आप इस क्वेश्चन में लगाइए बेटा, अगर पांचों होते तो जीरो आता, लेकिन अगर यहां चार ही चार्ज पार्टिकल हैं तो यहां पर एक चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट बच जाएगा, मतलब जो चार पार्टिकल है ये चारों पार्टिकल एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और यहां पर इन्हें कैंसिल कर देंगे, अगर पांचवा भी आ जाए तो, पांचवा भी आ जाए तो कैंसिल कर देंगे, तो जो पांचवे का फील्ड है, अब यहां पर जो पांचवे का फील्ड है एक्चुअल में वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा। तो पांचवे का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4πε0Q/a² किधर की तरफ होगा बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, जरा सोचकर बताइए डायरेक्शन किधर होगी उसकी। जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, लेकिन जब एक नहीं होगा तो ये वाला रिमूव हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चारों के कैंसिल हो जाएंगे, ये चारों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ओ ए, अगर ए पर चार्ज नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बेटा, अलोंग ए आ जाएगा। ठीक है बेटा,